गोगामेड़ी मंदिर राजस्थान। गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक गांव है जहां लोक देवता गोगा जी का मंदिर है। यहां सांपों के देवता कहे जाने वाले गोगा पीर की समाधि बनी हुई है जहां हर साल देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नमस्कार दोस्तों, सांगोपांग में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सांगोपांग के इस अंक में हम गोगामेड़ी मंदिर की बात कर रहे हैं। गोगामेड़ी नोहर तहसील का एक गांव है। बागड़ी में मेड़ी का मतलब छोटा मंदिर होता है, यानी यह मंदिर लोक देवता गोगा जी की मेड़ी है। यह अलग बात है कि गोगामेड़ी अपनी तरह का सबसे बड़ा व प्रतिष्ठा वाला मंदिर है जहां राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के श्रद्धालु धोक लगाने आते हैं। गोगामेड़ी में गोगा जी, जिन्हें जहरवीर भी कहा जाता है, की समाधि है। यूं तो इस मंदिर में साल भर चहल पहल रहती है, लेकिन भादवा बदी एकम से लेकर भादवा सुदी ग्यारस तक यहां बड़ा मेला भरता है। गोगा जी को विषधरों को वश में करने वाला देवता माना जाता है। लोक जीवन में उनकी मान्यता का अंदाजा गांव गांव गोगा, गांव गांव खिचड़ी की कहावत से लगाया जा सकता है। जहरवीर गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददेरवा गांव में हुआ। उनकी समाधि यहां गोगामेड़ी में बनी हुई है। गोगा जी गोरखनाथ के परम शिष्यों में से एक थे और गोरखनाथ ने उस समय यहां 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। आपको बता दें कि गोगा पीर के समाधि का जिम्मा 11 महीने मुस्लिम धर्मावलंबी के पास रहता है, जबकि भादवे के एक महीने में यह काम हिंदू पुजारी करता है। इसीलिए गोगा जी को लोक देवता और पीर दोनों का दर्जा प्राप्त है। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हर धर्म में उन्हें मानने वाले लोग हैं। कहते हैं कि 1911 में बीकानेर रियासत के तत्कालीन शासक गंगा सिंह ने इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कुछ साल पहले इस मंदिर परिसर का निर्माण पैनोरमा रूप में करवाकर इसे भव्य रूप दिया गया। यहां हर साल अगस्त सितंबर में मेला भरता है और देश भर से श्रद्धालु पीले वस्त्रों में यहां पहुंचते हैं। यह मंदिर राजस्थान के देवस्थान विभाग के अधीन आता है। आपको बताते चलें कि गोगामेड़ी में ही गोगा जी के मंदिर के पास ही गुरु गोरखनाथ का धुना है, अखाड़ा है। यह गोरख टीला नाथ संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध गोरखनाथ की तपोभूमि है। गोरखनाथ ने यहाँ कई साल तक कठिन तप किया था। गोगामेड़ी के आसपास के इलाके को आज भी मेड़ी की छात या बीड़ कहा जाता है। बीड़ यानी जंगल। कहा जाता है कि किसी समय इस इलाके में बीहड़ जंगल हुआ करता था, जहाँ गोरखनाथ के चरण पड़े और गोगा जी उन्हीं के शिष्य हुए थे। नाथ संप्रदाय में इस अखाड़े की खूब मान्यता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक तरह से पहले गोरखनाथ के धुने में माथा टेकते हैं, फिर मेड़ी में धोक लगाते हैं। जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, तो गोगामेड़ी बसों के साथ साथ ट्रेन से भी पहुंचा जा सकता है। यह भादरा कस्बे से 20 किलोमीटर, हिसार से 80 किलोमीटर, दिल्ली से 245 किलोमीटर व जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से यहाँ की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर बना हुआ है।
यह हनुमानगढ़ के साथ साथ गंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर व जयपुर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इन सभी शहरों को जाने वाली बसें यहाँ रुकती हैं। इसके अलावा गोगामेड़ी में रेलवे स्टेशन भी है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे के अधीन आता है। यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में श्रीगंगानगर सीकर एक्सप्रेस, तिलक ब्रिज श्रीगंगानगर एक्सप्रेस, सादुलपुर हनुमानगढ़ एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर सादुलपुर पैसेंजर व बिलासपुर बीकानेर अंत्योदय एक्सप्रेस शामिल हैं। नियमित सेवाओं के साथ साथ अगस्त सितंबर में मेले के दौरान यहाँ के लिए विशेष ट्रेन भी चलाई जाती हैं। दोस्तों, यह तो रही बात गोगामेड़ी मंदिर और गोरख टीले की। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके लिए वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी का बटन दबाएं। इलाके की ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप संगोपांग के बाकी वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद।